हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए बात करते हैं इस वीडियो में रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस वेब सीरीज के बारे में, जिसमें स्टारिंग है अजय देवगन, ईशा देओल, राशि खन्ना, अतुल कुलकर्णी, अश्विनी कालसेकर, आशीष विद्यार्थी, तरुण गहलोत एंड सत्यदीप मिश्रा। और ये जो वेब सीरीज है रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस, वो डिजनी पर हॉटस्टार पर 4 मार्च 2022 से स्ट्रीमिंग होना शुरू हो चुकी है। और इस वेब सीरीज़ के डायरेक्टर है राजेश मापुसकर। और ये जो वेब सीरीज़ है वो 45 से 50 मिनट के लगभग लगभग 6 एपिसोड है। एंड टोटल कुल मिला के इस वेब सीरीज़ की जो लेंथ है वो है 5 घंटा 13 मिनट की। ये वेब सीरीज़ है रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस एंड इसके 6 एपिसोड्स है। तो चलिए बात करते हैं पहले इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। तो स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो इसमें बहुत ही सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड ये एक स्टोरी है। ये स्टोरी जो है वो रुद्रवीर सिंह, डीसीपी रुद्रवीर सिंह प्लेड बाय अजय देवगन, उनके इर्द गिर्द इसकी कहानी घूमती है। जहाँ पे हर एपिसोड में, मतलब टोटल 6 एपिसोड है, उसमें हर एपिसोड में अलग अलग कहानी हमें सामने रखी गई है। अलग 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 थ्रेट उनके सामने आते हैं, अलग अलग चीज़ें उनके सामने आती हैं। तो उसको किस तरीके से रुद्रवीर, डीसीपी रुद्रवीर सिंह इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनके सामने क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं उस केस को सॉल्व करते हुए, तो वो यहाँ पे दिखाया गया है। एंड वो किस तरीके से इसका एंड करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं एट दी एंड, तो ये यहाँ पे बताया गया है। हर एपिसोड में, हर एपिसोड एक नया एपिसोड है, नया किलर सामने आता है, नया थ्रेट आता है, नई डिफ़िकल्टीज आती है, नया केस हमारे सामने दिखाई देता है। और उस हर केस को कैसे रुद्रवीर सिंह सॉल्व करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, ऑब्स्टिकल्स को बाहर फेंकते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं, ये रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस की कहानी है। तो यहाँ पे अगर पहले एपिसोड को छोड़ दे तो लास्ट के 5 एपिसोड है, उसके एंड में, हर एपिसोड के एंड में हमारे सामने किलर नज़र आता है। उसके पीछे की जो मानसिकता है, वो क्यों उसने वो किलर जो है किल किया है, क्यों मारा और क्यों इस तरीके से प्लान किया है, वो चीज़ें नज़र आती है। पहला एपिसोड में नज़र नहीं आता ये चीज़, क्योंकि जो कैरेक्टर है ईशा चौकसी का प्लेड बाय राशि खन्ना, वो जीनियस की औकात, ये नाम है पहले एपिसोड का, तो उसमें वो अपने आप को जीनियस बताने के चक्कर में, होशियारी मारने के चक्कर में वो अपने माँ बाप को मार देती है। एंड वो खुद एक मर्डरर है, वो साबित पुलिस के ऊपर थोप देती है कि जाओ अब साबित करो कि मैं मर्डरर हूँ, मैं तुम्हारे सामने हूँ, मैं बहुत ही जीनियस हूँ, तुम कुछ पकड़ नहीं सकते। तो इस तरीके की इंटरेस्टिंग कहानी के साथ स्टार्ट तो किया था पहला एपिसोड, बट बहुत ही वाहियात, बहुत ही बोरिंग सा ये पहला एपिसोड था। 56 मिनट लॉन्ग था ये पहला एपिसोड, जिसमें कहानी ही नहीं थी। मतलब इन्वेस्टिगेशन शुरू तो हुआ, बट उसका एंड क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन क्या था, क्यों बीच में ही वो कहानी ख़त्म हो गई और दूसरे एपिसोड पे चल दिए, उस चीज़ के बारे में बताया नहीं। और बहुत ही हास्यास्पद बात यह है कि इसके बाद जो ईशा चौकसी है, राशि खन्ना का कैरेक्टर, वो और रुद्रवीर सिंह प्लेड बाय अजय देवगन, दोनों मिल के जो बाकी के जो केसेस है मिल के सॉल्व करते हैं, जिसके ऊपर किलर जो है उसका आरोप लगा हुआ है, वो रुद्रवीर सिंह के साथ मिल के आगे के जो केसेस है, फॉलोअप केसेस, फॉलोअप एपिसोड, उसमें वो सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा मुझे अजीब लगा, थोड़ा मुझे जमा नहीं। हाँ, स्टैंड अलोन की तरह देखे तो राशि खन्ना एंड अजय देवगन का कैरेक्टर परफॉर्मेंस वाइज स्टैंड आउट करता है, बट स्टोरी लाइन के हिसाब से पहला एपिसोड उतना अच्छा नहीं था। पहला एपिसोड ही नहीं, दूसरा एपिसोड और तीसरा एपिसोड भी जो हमारे सामने रखा है, 48 1 आवर का एपिसोड्स थे। तो यहाँ पे ही डायरेक्टर राजेश मापुसकर की गलती हो गई कि यहाँ पे कहानी इंटरेस्टिंग नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन इंटरेस्टिंग था, बट एट दी एंड कुछ हमें मज़ा नहीं आया। पहले 3 एपिसोड में बोरिंग सा लगा, वाहियात सा लगा और बहुत ही हमें सुस्ती महसूस हो रही थी, बोर महसूस फीलिंग हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम सो जाए। बट लास्ट के जो 3 एपिसोड है, 4th, 5th एंड 6th एपिसोड, वो हमें कई जगह इंटरेस्टिंग लगते हैं, कई जाके इंटरेस्टिंग एंगेजिंग लगते हैं, क्योंकि उसमें कहानी ऐसी थी, कहानी एज ऑफ दिस सीट वाली कहानी थी। एंड इस उसके एंड में जाके जो हमें चीज़ें पता चलती है वो बहुत ही थ्रिलिंग थी एंड बहुत ही मज़ा आया लास्ट के 3 एपिसोड को देख के। स्पेशली पहले 4 एपिसोड में जब अतुल कुलकर्णी का जो कैरेक्टर है डीसीपी गौतम का,
वो कुछ अलग नज़र आते हैं, और लास्ट के दो एपिसोड में डीसीपी गौतम अतुल कुलकर्णी वो अलग नज़र आते हैं। तो यहाँ पे ये जो चेंज ऑफ डेवलपमेंट हुआ है कैरेक्टर का, डायरेक्टर जो जिन्होंने ट्राई किया है राजेश मपुस्कर ने, वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इसके अलावा एज आई सेड, पहले तीन एपिसोड बहुत ही, एक तो लेंदी एपिसोड है पहले तीन एपिसोड, ऊपर से बहुत ही बोरिंग और बहुत ही ख़राब एपिसोड है। उल्टा लास्ट के तीन एपिसोड शॉर्ट है, क्रिस्प है, और बहुत ही मज़ा था हमें देखने में। तो यहाँ पे लेंथ में थोड़ी गड़बड़ हो गई, कि यहाँ पे पहले तीन एपिसोड के लेंथ अगर छोटे होते और यहाँ के लास्ट के तीन एपिसोड के लेंथ थोड़े बढ़ जाते तो हमें ज़्यादा मज़ा आता। हालाँकि रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस वेब सीरीज जो है वो अच्छी थी, बट बिट्स एंड पीसेस में, पूरी तरीके से नहीं। अगर हम इसके यही चीज़ है, पहले तीन एपिसोड ख़राब है, लास्ट के तीन एपिसोड अच्छे है। एंड अतुल कुलकर्णी का जो कैरेक्टर है वो पहले चार एपिसोड में थोड़ा ओके है, बस लास्ट के दो एपिसोड है उसमें हमें कहीं जाके इंटरेस्टिंग लगता है। सरप्राइज पैकेज जिसे हम कहते हैं वो है अतुल कुलकर्णी का कैरेक्टर यहाँ पे। तो यही कहानी है रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस की, कैसे रुद्रवीर सिंह, डीसीपी रुद्रवीर सिंह जो है वो हर केस को सॉल्व करने की कोशिश करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, सॉल्व कर पाता है कि नहीं कर पाता, यही पूरी कहानी है। इसके अलावा परफॉर्मेंस की बात करें तो ऐसा ही सर, अजय देवगन हो या फिर राशि खन्ना हो, दोनों के जो परफॉर्मेंस है शुरुआत से लेकर एंड तक, दो मूमेंट पे दोनों की एंट्री होती है, जो एंड होता है उसके बीच के जो एपिसोड्स है, लेंथ है, उसमें वो एंटरटेन करते हैं, हमें एंगेज करके रखते हैं उनके डायलॉगबाजी से, उनके बातों से, उनके केमिस्ट्री जो एक क्रैकलिंग केमिस्ट्री है अजय देवगन एंड राशि खन्ना के बीच जो हमें नज़र आती है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ा आता है हमें वो देखने में। तो ऐसे स्टैंड आउट जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से अजय देवगन हो या फिर राशि खन्ना हो, दोनों ही मुझे बहुत ही अच्छे लगे, बहुत ही इम्प्रेसिव लगे मैं कहूँगा। और इसके अलावा अतुल कुलकर्णी का कैरेक्टर पहले चार एपिसोड में ओके था, बोरिंग नहीं फील कर रहा था, बट ओके था, बट लास्ट के दो एपिसोड में वो सरप्राइज पैकेज के तौर पर हमारे सामने पेश होता है। एंड जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था अतुल कुलकर्णी का कैरेक्टर, अश्विनी कलसेकर एक बॉस का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, हालांकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, कैरेक्टर डेवलपमेंट उतना है नहीं, बट जितना भी उन्होंने वो स्क्रीन पे आए हैं जितनी भी देर, वो बहुत ही अच्छे लगे, उन्होंने मेहनत किया है अपने परफॉर्मेंस पर। आशीष विद्यार्थी भी है यहाँ पे, जो एक सीनियर हेड ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो उनका भी मैं यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने भी कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं है, बट जितने भी बार स्क्रीन पे प्रेजेंस है उनका, आशीष विद्यार्थी का, उनका एक्सपीरियंस मैटर करता है, तो वो चीज़ बहुत ही अच्छी थी उनकी। तो एक्टिंग वाइज आशीष विद्यार्थी ओके थे, बोरिंग फील नहीं करवाते, मेन बात, तो अच्छा था उनका कैरेक्टर। और उसके अलावा तरुण गहलोत थे जो प्रबल ठाकुर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो अजय देवगन के साथ में इन्वेस्टिगेशन के इसमें लगे हुए हैं, तो उनका कैरेक्टर भी अच्छा था, अच्छा सपोर्ट उन्होंने प्ले, सपोर्टिंग जो कैरेक्टर है हम कह सकते हैं, तो अच्छा सपोर्ट दिया है इस वेब सीरीज में तरुण गहलोत ने। एंड सत्यदीप मिश्रा करके एक एक्टर है, उन्होंने राजीव का कैरेक्टर प्ले किया है यहाँ पे, जो ईशा देओल है उनकी बॉयफ्रेंड या फिर पति जो भी गए, वो कैरेक्टर प्ले किया है, तो वो ओके था, ज़्यादा मज़ा नहीं आया। एंड ईशा देओल का जो कैरेक्टर है साहिली का, वो थोड़ा बोरिंग था, मैं कहूँगा, मेरे को बात ही नहीं करना वो कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि बहुत ही अनइंटरेस्टिंग, वाहियत सा, बोरिंग सा कैरेक्टर था। और जो पर्सनल इश्यूज यहाँ पे क्रिएट किए गए कि वही के पति बहुत काम करता है, पत्नी को बिस्तर पे कुछ नहीं कर पाता, और पत्नी का झुकाव किसी और के तरफ चला जाता है, इस यही रीज़न है पर्सनल इश्यूज जो यहाँ पे क्रिएट किए गए कि दोनों के बीच, डीसीपी रुद्रवीर सिंह और शैली के बीच जो पर्सनल इश्यूज़ चल रहे हैं, मैं कहता हूँ यही है इश्यूज, नॉर्मल क्या, यही टाइप के इश्यूज हर वेब सीरीज में आजकल नज़र आते हैं कि पति पत्नी के बीच झगड़े हो तो यही रीज़न होता है, पति पत्नी को बिस्तर पे खुश नहीं कर पाता, बस। उसके अलावा ये जो डायरेक्टर है उनकी सोच आगे बढ़ती नहीं है, जिस वजह से ये जो परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए था, ईशा देओल का कमबैक परफॉर्मेंस होना चाहिए था, यहाँ पे वो मार खा गए।
एज एन एक्ट्रेस और एज अ कैरेक्टर भी, स्टैंड अलोन भी, और जिनके साथ भी वो लोग परफॉर्म करती हैं वहाँ पे वो थोड़ी लूज लगती है, थोड़ी क्या पूरी लूज लगती है, थकावट महसूस हो रही है उनको, ऐसा लगता है। तो कैरेक्टर उतना इंटरेस्टिंग नहीं था, अनइंटरेस्टिंग एंड बोरिंग सा था ईशा देओल का कैरेक्टर, पता नहीं क्यों था, क्योंकि थ्रू आउट दी सीरीज जितने भी बार है वो स्क्रीन पर वो बहुत ही बोरिंग सा है, एंड बहुत ना ही सीरीज को आगे ले जा पाता है, ना ही यू नो बांधे रखता है, तो वो अच्छा नहीं था वो कैरेक्टर। एंड इसके अलावा बैकग्राउंड म्यूजिक जो है इस वेब सीरीज का बहुत ही अच्छा है, जो टाइटल ट्रैक है मैं कहूँगा दोस्तों, जब जब स्क्रीन पर वो यू नो टाइटल ट्रैक आता है वो सुनने में मज़ा आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही मज़ा आया वो सुनने में। एंड इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी जो यूज़ की गई है वो बहुत ही अच्छी थी, एंड यूनिक तरीके से इस कहानी को प्रेजेंट किया गया था, मैं कहूँगा यूनिक था सिनेमेटोग्राफी इस वेब सीरीज़ की, एंड जिस तरीके के जो कलर पैलेट यूज़ किए गए, एंड जिस तरीके से कलर के साथ यू नो खेला है डायरेक्टर ने, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी ने, डीओपी ने जिस तरीके से कलर के साथ खेला है यहाँ पे इस वेब सीरीज़ में, जो वो ट्रू टू द थीम थे एंड ट्रू टू द स्टोरी थे, जो डार्कनेस वाला माहौल क्रिएट करना था इस वेब सीरीज़ में वो बखूबी तरीके से सफल हुआ है, वहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग था, वहाँ पर वो बहुत ही ऑनेस्ट थे उस चीज़ को लेके। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो वेब सीरीज़ है रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस बहुत ही अच्छी थी, बस स्टोरी लाइन के हिसाब से, कुछ और चीज़ों के हिसाब से जैसे मैंने कहा, तो उस हिसाब से ये बिट्स एंड पीसेस जैसे मैंने कहा कि उतने में ही अच्छी थी। ओवरऑल रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस अच्छी वेब सीरीज़ बन सकती थी, एवरेज बन के रह गई है। तो अगर आपको ये वेब सीरीज़ देखनी है तो मैं कहूँगा अजय देवगन, राशि खन्ना, इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक अतुल कुलकर्णी के लास्ट के दो एपिसोड है वो परफॉर्मेंस के लिए, एंड तीन एपिसोड है लास्ट के तीन एपिसोड उस चीज़ के लिए, एंड सिनेमेटोग्राफी, एंड एक बार आप देख सकते हैं, इन सब चीज़ों के वजह से आपको ये वेब सीरीज़ उतनी बोरिंग नहीं फील करवाएगी, बट हाँ कई जगह है जो आपको लगेगा कि क्यों है ऐसी चीज़ें, तो अगर आप उन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर करते हुए आप देख सकते हैं ये वेब सीरीज़ को, तो आप देखिए रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस को। मैं अपने तरफ से 5 में से दोस्तों 2.5 स्टार देता हूँ, 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 फॉर रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस मेरी तरफ से। अगर आपने ये वेब सीरीज़ देखी है तो आपको कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, एंड ये जो मेरे कोई पॉइंट ऑफ व्यू जो पॉइंट्स छूट गए हो तो वो चीज़ भी नीचे लिखकर बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक दीजिए, वीडियो को शेयर करें, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना प्यार दे। एंड डायरेक्टर जो है, यहाँ पे मैं बात करना भूल गया कि जो डायरेक्टर है राजेश मपुस्कर, उन्होंने अच्छी तरीके से डायरेक्ट करने का कोशिश किया है, अलग अलग कहानी को पिरोया है, बट कई जगह सक्सेसफुल हुए है तो कई जगह अनसक्सेसफुल भी हुए है, तो इट्स अ 50-50 डायरेक्शन है, तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी मैं इस वेब सीरीज़ को 2.5 स्टार्स देता हूँ आउट ऑफ 5। तो ये था मेरा रेटिंग, मेरा रिव्यू रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस के बारे में, आपने देखी है कि नहीं बताइए नीचे लिखकर, और मेरे नए वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और इस वीडियो को, इस रिव्यू को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।